जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के भारत पाक सीमा के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते पठानकोट जिले में भारत पाक सीमा से सटे बम्याल सेक्टर में भी पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जानकारी देते हुए SSP पठानकोट सुहेल कासिम मीर ने बताया है कि BSF व पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से अलग अलग जगह पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत पाक सीमा के साथ लगते इलाके में पुलिस द्वारा बनाई गई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर सुरक्षा पुख्ता की गई है और पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है। यही नहीं, पुलिस के उच्च अधिकारियों की ओर से भारत पाक सीमा के साथ लगते गाँव के लोगों के साथ मीटिंगें भी की जा रही हैं और उन्हें जागरूक रहने व किसी तरह की भी कोई भी सीमा पर हो रही हरकत या कोई संदिग्ध चीज़ या व्यक्ति देखे जाने पर तुरंत पुलिस और BSF को सूचित करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। पीछे जम्मू कश्मीर दे विच आतंकी हमले हुए हैं, उस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए जिहड़े पंजाब दे सरहदी ज़िले हैगे ने उत्थे रेड अलर्ट जारी होया है। उसी सिलसिले के तहत पठानकोट ज़िले के विच असी अज जॉइंट कासो एंड एंटरटेनलिंग ऑपरेशन कराया अलोंग विथ BSF। इहदे विच पूरा जिहड़ा वो बॉर्डरी खिता है उसनों सर्च कराया गया। इस तो अलावा नाल जिहड़े सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाके है या जिहड़ी सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उत्थे एडिशनल डिप्लॉयमेंट हुई है फोर्स की। हैडक्वार्टर वालों सानू एंड जिहड़े बाकी होर सरहदी ज़िले हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿਦ BSF ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਔਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸਰਨ SHO ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।